Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in this video, we will be covering the next part of chapter number 2 of ACCA F5. So let's start. जैसा मैंने तुम्हें इस chapter की starting में बताया था कि ये जो chapter है, this is more or less related to computers. ठीक है? तो अभी तक जो हमने पढ़ा, I hope तुम्हें वो समझ आ गया हो. कोई भी doubt हो, तो I have a Telegram group. उसमें तुम, you can ask any doubt. So next part. अब next part हमारा आता है, that is extranet. सो एक्स्ट्रानेट क्या होता है गाइस? जैसे हमने पढ़ा था इंट्रानेट. इंट्रानेट क्या होता था कि हमारा जो एक मेन सर्वर है हमारे ऑफिस का, हमारी कंपनी का, उससे हमारे सारे अदर्स कंप्यूटर जो भी अलग अलग ब्रांचेस में हैं, दोज आर कनेक्टेड थ्रू वायर. ठीक है, दोज आर कनेक्टेड थ्रू वायर सो दैट दे कैन गेट ऑल द डेटा वेन एवर दे वॉन्ट, कहीं से भी वो एक्सेस कर सकते हैं. दैट वॉज इंट्रानेट और इसमें कोई भी बाहर वाला अलाउड नहीं था. एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट इज, अब जैसे हमारी यहाँ पे कंपनी का जो डेटा है, इसमें काफ़ी सारी सप्लायर की भी इंफॉर्मेशन है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारी कंपनी में जो माल सप्लाई करता था, वो ये देखना चाहता है कि उसको टोटल हमें कितने पैसे देने आज तक के. हालांकि ही मस्ट बी मेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड्स एज वेल. जैसे ही हमारा सप्लायर है जो हमें सामान भेजता है, तो इसको पता होगा कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे इतने पैसे आने हैं. बट जस्ट टू क्रॉस चेक दिस थिंग फ्रॉम कंपनी डेटा, उसने कंपनी में, या तो वो कंपनी में रिक्वेस्ट डालेगा, लेकिन उसको भी हमने उस स्पेसिफिक पार्ट का एक्सेस दे दिया कि जो भी माल उसने हमारी कंपनी को सप्लाई किया है, उस सब का रिकॉर्ड भी उसे यहाँ से मिल जाएगा. तो उसने कंपनी के रिकॉर्ड में से चेक किया कि टोटल कंपनी को कितना माल मैंने सप्लाई किया, ये है मेरे अकॉर्डिंग इतना है, तो ये मैच कर रहा है. दैट मीन्स इतना ही अमाउंट मुझे टोटल आना है, और जितना ऑलरेडी कंपनी से आ चुका है वो यहाँ से डिडक्ट हो चुका होगा. जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, दूसरा, जैसे कंपनी ने सप्लायर को कुछ ऑर्डर देना है, इसका एक कॉमन सप्लायर है, तो रादर देन इसको ईमेल करने के, सब कुछ करने के, इसने सप्लायर को बोल दिया कि जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट आएगी हम आपके सिस्टम में डाल देंगे, आप जब भी अपना सिस्टम चेक करो आपको वो रिक्वायरमेंट मिल जाएगी हमारी तरफ से, वो रिक्वायरमेंट का माल हमें भेज देना. दैट मीन्स हमने एक एक्सटर्नल पर्सन को भी कुछ लिमिटेड एक्सेस दिया है अपने सर्वर का. दैट इज़ अ एक्स्ट्रानेट. तो अब ये सिस्टम एक्स्ट्रानेट हो गया कि इसमें इंटरनल लोग तो कनेक्टेड है ही हैं, एक्सटर्नल लोग भी इस नेटवर्क से कनेक्टेड है. सो एन एक्स्ट्रानेट इज़ अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क विच यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जाम्पल टू लिंक बिजनेस विद देयर सप्लायर्स. अब ये चीज़ वायर के थ्रू ना होके दिस विल बी थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट से हमारे को उसका एक्सेस दिया जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें वन ड्राइव का एक्सेस दिया हुआ अपनी उस बुक्स वाले पेज का. सो दैट इज लाइक दिस पार्ट. दिस इज अ प्राइवेट सिक्योर एक्सटेंशन ऑफ एन इंट्रानेट. इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर इंफॉर्मेशन विद सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स. इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो लिमिटेड है हम वही पढ़ेंगे. देर इज़ नो पॉइंट, मैं तुम्हें पहले ही मैंने बताया था कि बहुत डिटेल में कराऊं, अब तुम बच्चे नहीं हो और ना ही हम चाहते हैं कि इस चीज़ में इतना टाइम वेस्ट हो. बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है इस सब्जेक्ट में. नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट. अब तक किसी को बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक बार ये वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ. एक बार ध्यान से सुनना क्या है, ताकि तुम्हें एटलीस्ट वर्डिंग में पता हो कि इंटरनेट को कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हमें कल को क्वेश्चन आए तो हम बता पाएं. ठीक है, सो द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स कैरिंग अ वास्ट एरे ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. बाय कनेक्टिंग द नेटवर्क टू द इंटरनेट और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, कम्युनिकेशन विद की स्टेक होल्डर्स विल बी इम्प्रूव्ड. And it may be possible to share data with organizations which could assist in benchmarking exercise. Basically, हमने इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट कनेक्ट किया. आजकल तो ये चीज़ भी विद वायर होती है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है. इंटरनेट के थ्रू ही हम एक प्राइवेट नेटवर्क बना देते हैं, वायर की भी ज़रूरत नहीं होती, लैन वगैरह वाली. However, the opening of the organization's network to the internet will provide additional opportunities to the spread of viruses and possibility to open network hackers. So additional, these are not opportunities, these are threats. Why they are saying opportunities? So these are threats, will provide additional threats for the spread of viruses and possibly open network to hackers. So ab dekho, ye bahut simple si cheez hai. An internet site that allows customer to place order online
कैन प्रोवाइड द फॉलोइंग यूजफुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जैसे अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन से तुम सोचोगे कि अमेज़ॉन की वेबसाइट से मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होगा, तो पहली बात हम देखेंगे कि अमेज़ॉन के पास कस्टमर की डिटेल्स आती जा रही है। जब भी कोई कस्टमर अमेज़ॉन से ऑर्डर करता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस सब कुछ आ रहा है, दैट मीन्स कस्टमर का डेटा उसके पास आ रहा है। प्रोडक्ट डिटेल्स असेस्ड एंड प्रोडक्ट बॉट, जो भी प्रोडक्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर मोबाइल का एक कवर देखो, यू विल फाइंड डिफरेंट कवर्स, ये सारे कवर तुम्हें अमेज़ॉन पर मिलेंगे, तो इसमें से कौन सा ऐसा कवर है जो ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे हैं, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की, किस कंपनी के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, जिसको आज तक किसी ने परचेज़ ही नहीं करा। तो तुम क्या करोगे, उस बंदे को बोलोगे भाई तेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, दिस इज़ नॉट सेलिंग, तो इसको बनाना बंद कर दे। तो एक ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बॉट, सेल्स अकाउंटिंग एंड कस्टमर प्रॉफिटिंग, कि कितना कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है जो रिव्यूज़ देते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स असेस्ड बट प्रोडक्ट नॉट बॉट, कि अगर मान लो बार बार, जैसे मैंने तुम्हें कल एग्जांपल दिया था, तुमने कोई प्रोडक्ट सर्च करा, ठीक है, कि तुम्हें प्रोडक्ट बाय करना है, तुमने अभी इसको बाय नहीं करा, तुमने सिर्फ सर्च करा, ऐड टू कार्ट कर दिया, तो अमेज़ॉन यूजेज़ योर मोबाइल और लैपटॉप कुकीज़। तो ये वाली चीज़, तुम कोई भी मूवी देखोगे जिसमें एड्स आती हैं, तुम गेम्स खेलोगे, तो यही चीज़ बार बार आएगी। तो वो चीज़ अमेज़ॉन को कैसे पता चली कि कौन, तुमने कौन सा प्रोडक्ट एसेस किया है लेकिन उसको यूज़ नहीं करा। डेट ऑफ परचेज, सीजनल वेरिएशन, कब कब तुम परचेज़ कर रहे हो, कब कब नहीं कर रहे, टाइम ऑफ परचेज, किस टाइम पे परचेज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है, और डिलीवरी मेथड चूज़न, कौन सा डिलीवरी मेथड तुम चूज़ कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो। सो दीज ऑल इंफॉर्मेशन कंपनी गेट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं और ईजिली मिल जाती है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस वेबसाइट से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, दैट्स इट। अब ये बात तुम बोलोगे सर इसमें मुश्किल क्या है, ये तो वैसे ही हम पढ़ लें, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ इस वेबसाइट का कौन सा बेनिफिट नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं होगी, तो वो तुम्हें एक बार इसको थॉरली पढ़ना पड़ेगा। देन आता है नेक्स्ट, वायरलेस एंड हैंड हेल्ड टेक्नोलॉजी। अब वायरलेस में सबको पता है वाईफाई, हर बच्चे को पता है आज की डेट में वाईफाई क्या होता है, लेकिन वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है वो शायद सबको ना पता हो। तो वाईफाई की फुल फॉर्म आज हमें पता चली, इट इज़ वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। अब वाईफाई क्या है ये चीज़ तो हम सबको पता है, बट अगेन वर्ड्स में इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे बोला जाता है, सो लेट्स रीड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है, सबने मोस्टली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं सबने थ्री इडियट्स मूवी देखी है ना। थ्री इडियट्स देख के उसमें क्या लिखा गया था, उसमें आमिर खान ने क्या बोला था कि रट्टे मत मारो, समझो, समझोगे तभी वो चीज़ काम आएगी। हमारी जो इंडियन बुक्स हैं या जो हमें IT वगैरह पढ़ाया जाता है उसमें हमें वाईफाई की प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है, जो शायद आज तक किसी को समझना है। डेफिनेशन भले ही लोगों को समझना है, वाईफाई सबको पता है क्या होता है, एवरीवन नोज व्हाट वाईफाई इज़, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है वो शायद 100 में से एक ही बच्चे को पता होगी या लर्न रहेगी। और हमने पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं सीखा कि हमें चीज़ को रट्टा मारना है, हमें समझना है कि ताकि कल को, अब वाईफाई की एक बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे ने डेफिनेशन का रट्टा मार लिया, उसको पूछा यार ये क्या है, यार पता नहीं ये कैसे चल रहा है, वाईफाई से चल रहा है, उसको डेफिनेशन तो पता है लेकिन वाईफाई का मतलब क्या ये नहीं पता कि वाईफाई होता क्या। ACCA में मुझे अच्छी बात क्या लगती है, रट्टा नहीं मरवाया किसी पे, देखो इन्होंने वाईफाई को सिंपल समझाने के तरीके से बताया हुआ है, तो तुम पढ़ोगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये तो अच्छी बात है, रट्टे रुट्टे वाली कोई बात ही नहीं। वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी, इट फैसिलिटेट्स द मोबाइल यूज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड हैंड हेल्ड डिवाइस। मोबाइल यूज मतलब कि मोबाइल यूज का मतलब ये नहीं है मोबाइल को यूज, इट मीन्स वायरलेस यूज ऑफ लैपटॉप एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स डिवाइसेज। देयर हैज बीन अ ह्यूज ग्रोथ इन द ओनरशिप ऑफ iPads। अब यहाँ पे iPads की इन्होंने क्यों प्रमोशन की है मुझे नहीं पता, अच्छा एंड्रॉयड टैबलेट्स भी है, एंड्रॉयड टैबलेट्स एंड अदर हैंड हेल्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। For example, over 300 million iPads have been sold since introduction. मुझे नहीं पता इसका इन्होंने क्या इस चीज़ को क्यों डाल दिया,
क्या मजाक है इस चीज़ का, आईपैड का वायरलेस से क्या लिंक है वाईफाई से, वाईफाई तो एंड्रॉयड में भी होता है, वाईफाई तो हर जगह होता है। मैनी कस्टमर्स नाउ यूज देयर फोन्स एंड टैबलेट्स टू बाय प्रोडक्ट एंड फर्म हैव रिस्पॉन्डेड बाय मेकिंग देम वेबसाइट्स टैबलेट फ्रेंडली या मोबाइल फ्रेंडली बोल सकते हो, एंड बाय डिवेलपिंग एप्स टू मेक परचेज प्रोसेस ईजियर, एसेस टू इन्फॉर्मेशन टेकन टुगेदर विद चीपर एंड फास्टर वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड। मैनी ऑर्गेनाइजेशन नाउ यूज टैबलेट्स टू एसेस एनी की इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल कंसल्टेंट्स मे डू अ वार्ड राउंड एंड यूज टैबलेट्स टू एक्सेस पेशेंट रिकॉर्ड एज दे गो रादर देन रिलाइंग ऑन हैविंग पेपर फाइल्स। ऑब्वियसली आजकल हॉस्पिटल्स में भी हमने देखा है कि टैबलेट्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास भी दे डोंट यूज़ अ पेपर एंड ऑल, टैबलेट होता है, टैबलेट पे वो देख लेते हैं कि ये बीमारी है तो कौन सी मेडिसिन वगैरह इसकी लगेगी, हर पेशेंट का रिकॉर्ड टैबलेट्स पे मतलब उनके डेटा में स्टोर होता रहता है, ओवर इंटरनेट उनकी वेबसाइट पे सब कुछ स्टोर होता जा रहा है आजकल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी हॉस्पिटल में गया, किसी अच्छे हॉस्पिटल में गया, तो क्या होगा हॉस्पिटल में जाके वो कोई मेरे को पेपर, ऑब्वियसली मतलब दवाई वगैरह तो पेपर में ही लिख के देंगे, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड मेरा कंप्यूटर की वेबसाइट, उनकी हॉस्पिटल की वेबसाइट पे भी स्टोर होगा। तो जब भी मैं दोबारा जाऊंगा वो मेरा मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालते ही मेरा पुराना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड मेरा पुराना है, क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट डेटा कैप्चर। अब डायरेक्ट डेटा कैप्चर क्या होता है, आपको यू कैन स्किप, यहाँ से कुछ समझ नहीं आने वाला, इन्होंने कहाँ से कहानी घुमाई हुई है मुझे नहीं पता, जैसे आईपैड की कहानी थी। जैसे ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये तुम्हारा कीबोर्ड है, तो बेसिकली जो भी डेटा तुम अपने कंप्यूटर में डालते हो, ठीक है, वो कंप्यूटर में कैसे डलता है, इस कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड पे हम टाइप करते हैं उसके बाद डेटा हमारा कंप्यूटर में आता रहता है, है ना। सो दैट इज डायरेक्ट डेटा कैप्चर, के हाउ डेटा इज कैप्चर्ड इन आवर सिस्टम, कि हमारे सिस्टम में जो डेटा है उसको हम कैसे कैप्चर करते हैं। तो एक तो होता है कीबोर्ड के थ्रू, अब इसका मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बड़े अच्छे से समझ आएगा। जो भी हमारी सुपरमार्केट्स होती हैं, सुपरमार्केट सुपर स्टोर्स जहाँ से हम काफ़ी सारा ग्रॉसरी का सामान नॉर्मल सामान लेते हैं, तो जो भी तुम, जैसे मान लो तुमने एक बॉटल परचेज करी, एक कैन परचेज करा कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है, तो कैन जब तुमने परचेज किया, वो जो पर्सन है जो बिलिंग कर रहा है उसके पास दो ऑप्शन है इस कैन का डेटा बिल में डालने का, कैप्चर करने का। एक, या तो कंप्यूटर में टाइप करे ये कैन, इसको जो नंबर अलॉटेड है सब कुछ, या फिर हमारे पास जैसे तुम्हें पता होगा एक बारकोड स्कैनर होता है, उसने स्कैन किया बारकोड, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो गई, ठीक है ना, बारकोड स्कैन करा ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो गई। दूसरा एग्जांपल तुमने देखा होगा काफ़ी सारे बारकोड्स होते हैं, जैसे आजकल ये आ गए हैं पेटीएम वाले, पेटीएम के बारकोड्स आ गए ना, तो उसमें क्या होता है तुम सीधा सीधा स्कैन करो ऑटोमेटिकली तुम्हें बंदे की डिटेल मिल जाएगी रादर देन राइटिंग दी मोबाइल नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। सो दोज आर लाइक डायरेक्ट डेटा कैप्चर, कि वैसे तो नॉर्मली हम कीबोर्ड से हर चीज़ टाइप करते हैं इसमें, लेकिन इसमें कमी ना हो और एक्यूरेसी हो, जैसे कीबोर्ड से लिखेंगे नंबर गलत होगा, मैन पावर ज़्यादा लगेगी, टाइम वेस्ट होगा, तो रादर देन उसके मैंने एक बार जो ये होती है बार स्कैनर उसको परचेज कर लिया, मैं सीधा यहाँ से स्कैन कर रहा हूँ बार कोड स्कैनर और ऑटोमेटिकली मेरी इसमें डिटेल आ गई, उसमें गलती के चांसेस जीरो होते हैं क्योंकि दिस इज़ अ कंप्यूटर अनटिनर अनलेस यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। तो जब भी तुम सुपर स्टोर में जाते हो क्या होता है, जो भी तुमने खूब सारा सामान परचेज किया होता है, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव परचेज, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव परचेज, तो वो पर्सन रादर देन एक एक आइटम को टाइप करने के बार कोड स्कैनर उठाएगा, ऐसा सा स्कैनर होता है वो, ऐसा सा स्कैनर होता है, इसमें यहाँ से रेज निकलती हैं, वो हर एक के ऊपर रे लगाएगा, इसके ऊपर आता चला जाएगा ये पर, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस, दीज आर कॉल्ड डेटा कैप्चर, डायरेक्ट डेटा कैप्चर, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, हमें क्यों ये चीज़ चाहिए डायरेक्ट डेटा कैप्चर के लिए, हाउ टू इकोनॉमीज द यूज़ ऑफ मैन पावर, कि अगर एक बंदा इस चीज़ में लगा हुआ है तो वो पूरा उसका बेनिफिट कैसे हम उठाएं, वो इंडिविजुअली अगर वो डालेगा डिटेल्स उसको बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, बंदे ने तो 8 घंटे ही जॉब करनी है, तो उस 8 घंटे को हम और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स इन सोर्स डेटा, कि जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको कैप्चर करने में गलती ना हो,
हाउ टू अचीव डेटा कैप्चर एट अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। एक बार हमने बस ये लगा दी मशीन, उसके बाद तो बस फटाफट स्कैन करते चले जाएंगे, यहाँ वैल्यू आती चली जाएगी, और ये तीन चार साल चलेगा तो हमारी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा बिलिंग बनेगी। हाउ टू अचीव इनपुट सफिशेंटली एंड क्विकली, ओके। हाउ टू गेट डेटा इनटू द सिस्टम, डेटा सिस्टम में कैसे आएगा। सो दैट इज़ वाई डेटा कैप्चर हमारे को प्रोडक्ट मेथड चाहिए होते हैं। इनपुट डिवाइसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, एक तो होता है यूजिंग अ कीबोर्ड, दूसरा होता है दोज यूजिंग डायरेक्ट इनपुट ऑफ डेटा जैसा बारकोड स्कैनर। सो डायरेक्ट डेटा कैप्चर मीन्स दैट डेटा इज इनपुट इनटू कंप्यूटर थ्रू अ रीडर, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एग्जाम्पल बार कोड बींग यूज एट सुपर मार्केट। अच्छा, मेरा एग्जाम्पल दे दिया। सम मेथड्स ऑफ डेटा कैप्चर आर, अब डेटा कैप्चर के मेथड्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR। अब OCR शीट क्या होती है, एंड्रॉयड, तो तुम अगर सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, तुम्हें एक ऐप मिलेगी गूगल लेंस। अब गूगल लेंस ऐप क्या होती है, जब तुम गूगल लेंस चलाओगे तो तुम्हारे मोबाइल पे कैमरा खुल जाएगा। इट्स नॉट फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। गूगल लेंस में क्या होगा, तुम फॉर एग्जांपल तुमने अपने फ़ोन में, तुम्हारे पास एक पेपर है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पेपर है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नॉट हैंड रिटन बट ऐसे प्रिंटेड टेक्स्ट। तुम चाहते हो कि सारा का सारा प्रिंटेड टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसको तुम कॉपी पेस्ट कर सको। एक ऑप्शन क्या है, या तो पूरा टाइप करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, गूगल लेंस में जाके तुमने क्या किया, तुमने वो कैमरा खोला, वो मोबाइल तुम इसके ऊपर लेके गए और उसकी पिक्चर क्लिक कर ली। उसके बाद क्या होगा, गूगल लेंस ऑटोमेटिकली इसमें जो भी वर्ड है, जो उसको अच्छे से समझ आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर देगा वर्ड डॉक में। तो तुम ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हो इन वर्ड, जैसे तुमने टाइप कर रखा हो, और उसको तुम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे आजकल क्या होता है, बहुत सारी बुक्स जो पुरानी बुक्स होती हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी ऑथर की कोई बुक परचेज़ की है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो उस बुक को ऐसे स्कैन करके उसको वर्ड डॉक में बना रहे हैं, वर्ड डॉक में बना के अपनी थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करके फिर लोगों को दे रहे हैं, जैसे PDF में कन्वर्ट कर दिया। सम एप्लीकेशन ऑफ OCR आर टू इंसर्ट फाइनेंशियल डेटा इन टू अ स्प्रेडशीट और टू स्कैन आर्टिकल इन टू अ वर्ड प्रोसेसर। इफ बिजनेस वॉन्ट्स टू गो पेपर लेस बाई ट्रांसफरिंग ऑल इट्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट टू PDF फाइल्स यूजिंग OCR मेक्स द जॉब मच ईजियर बाय एलिमिनेटिंग मैनुअल इनपुट। जैसा मैंने बताया था, मैनुअली कंप्यूटर में डालने की बजाय सीधा स्कैन करो। ये छोटी सी एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। गूगल लेंस डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ठीक है। एंड्रॉयड का मुझे आइडिया नहीं, एंड्रॉयड का वैसे अपना ही सॉफ्टवेयर है शायद टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। तो गूगल लेंस पे जाओ, गूगल लेंस डाउनलोड करके जो भी तुम्हारा वर्ड डॉक है उस पर क्लिक कर उसको, मैं चलो तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सर्च करा, ये ऑटोमेटिकली अब इसको स्कैन कर रहा है, अब इसने स्कैन कर लिया सब कुछ। अब देखो यहाँ पे डबल एंट्री है, ये देखो डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसे सिलेक्ट कर लिया। ये देखो जो भी टेक्स्ट इसको मिला इसने ऑटोमेटिकली स्कैन कर लिया। मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से, जैसे देखो कॉपी टू कंप्यूटर, मैंने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया। अभी टेक्स्ट मैं कॉपी करके, कॉपी टेक्स्ट, ये हो गया। अब देखो आगे, अब ये टेक्स्ट मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। आई विल जस्ट शो यू इफ आई वांट टू पेस्ट इट हेयर, पेस्ट। ये देखो डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये देखो सारा जो टेक्स्ट था ये टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरा पेस्ट हो गया यहाँ पे। सो दिस इज OCR शीट, ठीक है। दिस एक डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं, तो OCR
द एडवांटेज ऑफ OCR इज आर दैट इट स्कैन्स वॉल्यूम ऑफ डेटा फास्ट एंड इट इज चीप टू यूज. द डिसएडवांटेजेस आर इट डज नॉट ऑलवेज रिकग्नाइज हैंड राइटिंग प्रॉपरली एंड दैट डर्ट फोल्ड एंड स्क्रैच मेक्स इट अफेक्ट स्कैनिंग रिजल्ट्स. मतलब नॉर्मली अब जैसे तुमने देखी थी मेरी बुक में क्लियर लिखा होता, अगर ये थोड़ी सी फोल्ड होती है बुक या हैंड रिटन होती, आजकल तो हैंड रिटन भी स्कैन कर सकते हैं चीज़ें, अगर मैंने हाथ से लिखा हुआ है इसको भी अगर मैं स्कैन करूँगा वो गूगल लेंस पढ़ लेगा. लेकिन कई बार क्या होता है हैंड राइटिंग में गड़बड़ होती है या पेज मुड़ा हुआ होता है, उस वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है, देयर कैन बी एरर्स. दो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ OCR, एक बार इसको भी पढ़ लेना डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन OMR. OMR शीट शायद काफ़ी सारे बच्चे OMR शीट से वाकिफ़ होंगे. OMR शीट क्या होती है? सो OMR शीट में तुम्हें बताता हूँ क्या होती है. इट्स लाइक अ शीट. जब भी तुम कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने गए हो, ऑब्जेक्टिव पेपर, तो क्या होता है तुम्हें एक OMR शीट दी जाती है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, दिस इज ABCD, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. तो होता क्या है, तुम्हारे को जब भी कोई तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तुम्हें एक OMR शीट दी जाती है. इस शीट में क्या होता है, तुम्हें बोला जाता है कि जो भी तुम्हारा राइट आंसर है, वॉट एवर योर आंसर राइट आंसर इज, उसको ब्लैक से मार्क कर दो. जैसे मैंने यहाँ से मार्क कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मार्क कर दिया, तो दिस इज़ माई आंसर. पहले का मेरा आंसर है सी, दूसरे का आंसर है बी, तीसरे का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर है डी, ये मैंने मार्क कर दिया. अब इस चीज़ को अगर मुझे कंप्यूटर में डालना है तो कैसे मैं डालूँगा कंप्यूटर में? या तो मैं हर एक का, एक बंदा बैठा होगा कीबोर्ड लेके, फर्स्ट का उसने ये डाला है, इसका ये डाला है, इसका ये डाला है, इसका ये डाला है, ऐसे होगा है ना. OMR शीट क्या होती है, OMR शीट इसको पूरे को स्कैन करेगा. वो ये देखेगा कि फर्स्ट का बंदे ने आंसर सी दिया, वो ऑटोमेटिकली 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, 4th का डी, ये डाल देगा कि ऑटोमेटिकली पता चल गया कि स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है, राइट आंसर क्या है. जैसे इसका ऑप्शन था ए, इसका ए, इसका बी, इसका बी, जैसे वैसे चारों गलत है मेरे, मैंने राइट आंसर इज दिस, वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये सारे गलत हैं. मतलब एक बार OMR शीट में तुमने डाल दिया, एक बार ही स्कैन करते ही तुम्हारा रिजल्ट साथ ही आ जाएगा. कोई इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है, किसी पर्सन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधा सीधा OMR स्कैनर में ये शीट डाल देगा. शीट डालते ही तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे, एक्चुअल आंसर्स आ जाएंगे और तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा. सो दोज आर ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन शीट या ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन. ठीक है. सम एप्लीकेशन ऑफ OMR आर मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड टू प्रोसेस स्टूडेंट्स एनरोलमेंट फॉर्म एंड प्रोसेस क्वेश्चनेयर. द एडवांटेजेस ऑफ OMR आर दैट इट प्रोसेसेस वॉल्यूम ऑफ डेटा फास्ट एंड इट्स चीप एंड सिंस एंट्री क्लर्क्स आर नॉट नीडेड. हमें किसी एम्प्लॉय को नहीं रखना कि वो ये सारा डाटा कंप्यूटर में डाले, सीधा सीधा शीट स्कैन करी, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, खत्म, क्लियर. कोई बंदा नहीं चाहिए जो ये सारी चीज़ें इनपुट करे. द डिसएडवांटेज इज दैट OMR फॉर्म मस्ट बी फिल्ड केयरफुली यूजिंग अ सूटेबल टाइप ऑफ पेंसिल एंड दैट डर्ट फोल्ड और स्क्रैच, अगेन इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ब्लैक पेन से मार्क करना है, किसी एक बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, उसने सारा रेड पेन से मार्क कर दिया, ब्लू पेन से मार्क कर दिया, आंसर देना था ब्लैक पेन से, उसने ब्लैक की जगह सारे आंसर रेड से कर दिए. अब जो OMR शीट होती है उसका जो OMR शीट का सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस होती है, उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो ब्लैक इंक ही उठाएगा. अब अगर यहाँ पे रेड है वो इसको उठाएगा ही नहीं, तो वो बोलेगा बच्चे ने कोई आंसर ही नहीं दिया, द आंसर इज़ ब्लैंक, क्योंकि ब्लैक तो है ही नहीं कुछ भी, आंसर इज़ ब्लैंक, ये आंसर है, तो सारे गलत हो जाएंगे. तभी जब भी कोई OMR शीट फिल करते हैं हमेशा बोला जाता है कि OMR शीट फिल करते हुए सारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करो. तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा क्या लगेगा, बट एक कहानी है. जैसे OMR शीट का किस्सा है, OMR शीट क्या स्कैन करता है, बच्चे ने पहले का आंसर क्या था, ए, बच्चे ने ए सिलेक्ट नहीं करा, दैट मीन्स दिस इज़ रॉन्ग. ये OMR शीट का काम होता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का. पहले का आंसर था ए, बच्चे ने आंसर दिया है सी, सो दिस इज़ रॉन्ग. अब अगर बच्चे ने ए सिलेक्ट कर दिया होता ब्लैक पेन से, ए सिलेक्ट कर दिया होता ब्लैक पेन से, तो सॉफ्टवेयर चेक करता पहले का आंसर है ए,
बच्चे ने ए मार्क किया है, दैट मीन्स हिज आंसर इज राइट। कुछ लोग जिनको कंप्यूटर की नॉलेज ज़्यादा है, टेक्निकल लोग ज़्यादा हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे ही मार्क कर दिए ऐसे। ये बीच में बहुत हाईलाइट हुआ था ओएमआर शीट का, फिर बाद में पूरा पूरा डिवाइसेस, पूरा पूरा सेटअप ही चेंज हो गया था इसका, क्योंकि लोगों को ये ट्रिक पता लग गई थी। आई थिंक एक जो सीए का मेरा अटैम्प्ट था, उसमें एक अटैम्प्ट में यही हुआ था, बच्चे ने सारे मार्क कर दिए। अब ओएमआर शीट का काम क्या, जैसे थर्ड का आंसर है बी, ओएमआर ने देखा थर्ड में बच्चे ने बी मार्क करा है, यस उसने हाईलाइट करा है, बी ही आंसर है, सो दिस इज़ राइट, इसके मार्क्स भी मिल गए। ओएमआर शीट ये स्कैन करता ही नहीं था, ये चेक ही नहीं करता था कि बाकियों में बच्चे ने मार्क करा है कि नहीं करा, वो सिर्फ ये देखता है थर्ड का आंसर है बी, बच्चे ने बी मार्क करा है, यस सो द आंसर इज़ राइट, ये उसमें इनपुट डालता है मेथड। तो जब ऐसे होने लग गए तो बहुत बच्चे फुल मार्क्स आने लगे जिस सब्जेक्ट में कभी नहीं आते। तो फिर जब ये चीज़ देखी गई तो ओएमआर शीट में ये डिसएडवांटेज पता चला, तो उन्होंने रूल डाल दिया कि अगर ओएमआर शीट में एक स्कैनर में एक और ऑप्शन ऐड कर दिया कि अगर एक से ज़्यादा सिलेक्ट है ऑप्शन तो वो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, चाहे सही मार्क है या नहीं, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी ओएमआर शीट में आए। चलो नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये नॉर्मली बैंक के चेक्स में चलता है, MICR कोड, माइकर कोड बोलते हैं इसको। अब माइकर कोड क्या होता है, अब जैसे हमारे ऑप्टिकल ओएमआर शीट होती है, ओसीआर शीट होती है, वैसे ही MICR कोड होते हैं कि जब भी तुम कोई भी चेक, जैसे घर में तुम्हारे डैड का चेक बुक होगी या मॉम की चेक बुक होगी या तुम्हारी चेक बुक होगी, आजकल तो सारे बच्चों की अपनी चेक बुक भी है, उसमें देखना यहाँ पे तुम्हें दिया होता है चेक नंबर और उसके साथ एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड MICR कोड। सो MICR कोड का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ये चेक बना तो ये चेक रादर देन मैनुअल इनपुट होने के MICR कोड डलेगा, MICR कोड से सॉफ्टवेयर जो है MICR कोड उठाएगा और ऑटोमेटिकली इस चेक को फिल कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड MICR कोड। तभी बोला जाता है चेक में कभी भी कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर कटिंग कर ली तो फिर ये चेक कैंसिल हो जाता है। अगर तुमने चेक में मान लो अमाउंट 1 लाख लिखा है और तुमने जैसे ये ऐसे कर दिया तो ये चेक पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि MICR कोड उसको कैंसिल कर देगा कि यहाँ पे ओवरराइटिंग हुई है। तो अगर सब कुछ सही है तभी ये चीज़ चलेगी। सो दैट इज़ लाइक MICR, इट्स अ काइंड ऑफ रिकग्नाइजेशन, जैसे ये रिकग्नाइजेशन होती है, ये रिकग्नाइजेशन होती है, सेम मैग्नेटिक इंक विच इज़ यूज फॉर बैंक। देन आता है बारकोड। बारकोड मैंने तुम्हें ऑटोमेटिकली कह रहा हूँ सॉरी ऑलरेडी बता दिया था जब मैं तुम्हें डेटा कलेक्शन का बता रहा था कि आर यूज टू चेक आइटम्स आउट ऑफ अ सुपरमार्केट टिल, तो ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रादर देन एक एक आइटम की डिटेल्स कंप्यूटर में डालने की बजाय सीधा सीधा स्कैन करा इसका नंबर, हमारा नंबर होता है ना ऐसे लाइन होती है, ऐसे कुछ लाइन होती है, उसके नीचे नंबर दिया होता है, तो वो सीधा इसको स्कैन करते हैं, इसकी डिटेल हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। ठीक है, अगर तुमको नहीं पता तो एक काम करना, कोई भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट यू हैव, उस प्रोडक्ट में सर्च करना जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ तुम्हें एक ऐसा बारकोड सा मिलेगा, ऐसा सा होता है काफ़ी सारा, मतलब सेम होता है और नीचे एक नंबर लिखा होता है, दैट इज़ अ बारकोड। तो उसमें उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, उसका बिल, सब कुछ होता है। तो सीधा सीधा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालने की बजाय बारकोड से वो चीज़ स्कैन होती है और उसकी डिटेल सारी आ जाती है। तुम चाहो तो अपने फ़ोन में भी बारकोड रीडर स्कैन करके चेक कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। मतलब आजकल क्या होता है कि काफ़ी सारे मार्केट में परफ्यूम्स होते हैं जो नकली होते हैं, तो उसको तुम कैसे चेक कर सकते हो कि तुम अपने फ़ोन में बारकोड स्कैनर डालो, जो भी परफ्यूम तुम बाय करते हो उसका बारकोड स्कैन करो, अगर वो स्कैन हो रहा है और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है एक्चुअली उससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो मतलब वन स्टेप इस ये कि तुम्हारा ये ओरिजिनल है, कुछ ज़्यादा फ्रॉड ना हो तो। लेकिन अगर वही मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स तुम्हारे को प्रोडक्ट कुछ और दिया जा रहा है और बारकोड किसी और का है, सो दैट इज़ अ फ्रॉड। अब आता है मैग्नेटिक स्ट्राइप्स कार्ड आर यूज टू विदड्रॉ मनी ATM टू पे क्रेडिट कार्ड, जैसे हमारा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, उसमें ये ब्लैक स्ट्राइप होती है ना, सो ब्लैक स्ट्राइप मतलब इसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है बैंक की, तो इसको स्वाइप करके वी कैन टेक आउट मनी, हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं कार्ड नंबर डाल के, दैट इज़ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। वॉइस रिकग्नाइजेशन इज अ सॉफ्टवेयर दैट अंडरस्टैंड स्पोकन कमांड्स, हर फोन में होता है वॉइस रिकग्नाइजेशन, सो दैट दीज आर लाइक हमारे डायरेक्ट डेटा कैप्चर के, रादर देन यूजिंग कीबोर्ड हम डायरेक्टली अपना डेटा कैप्चर कर सकते हैं। अब कई बार डेटा कैप्चर करने का तरीका क्या होता है, जैसे
हमने क्या किया, हमने एक पर्सन को बिठाया, हमारा पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है जो कंप्यूटर स्कैन नहीं कर सकता, बट उसको टाइप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने एक पर्सन बिठाया जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसको बोला वॉइस रिकग्नाइजर ऑन करो और पूरा पूरा बोलते रहो, वो साथ साथ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होता रहेगा और बाद में चेक कर लेना सही है कि नहीं, काफ़ी टाइम बच गया, ठीक है ना। सो दैट दीज आर लाइक हमारे डेटा कैप्चर टेक्निक्स यू कैन से अदर देन कीबोर्ड। चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, इसमें क्या लिखा हुआ है, दी फॉलोइंग कॉस्ट रिलेट्स टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर काइट कंपनी फॉर अप्रैल 2018। कॉस्ट उसकी है एम्प्लॉय टाइम स्पेंट फिलिंग ऑन द टाइम शीट्स, ओके, यूज ऑफ बार कोड्स एंड स्कैनर्स टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री, स्टोरेज ऑफ सेल इन्फॉर्मेशन नो लॉन्गर नीडेड, टाइम टेकन बाय स्टाफ टू इनपुट डेटा इन टू प्रोडक्शन सिस्टम। वॉट आर द टोटल डायरेक्ट डेटा कैप्चर कॉस्ट फॉर काइट कंपनी फॉर अप्रैल 2018। हमने देखना है कि हमने जो नया सॉफ्टवेयर लगाया था डायरेक्ट डेटा कैप्चर का, उसका खर्चा कितना हुआ है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आई है। तो चेक करते हैं, एम्प्लॉय टाइम स्पेंड फिलिंग ऑन देयर टाइम शीट। अब टाइम शीट तो क्या होता है, ये तो इट्स नॉट हमारा जो इस प्रोडक्ट की बनाने से रिलेटेड का खर्चा है, टाइम शीट तो वैसे भी हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी भरवाती है कि तुमने किस क्लाइंट पे काम किया है, वो तो वैसे भी फिल करना था, तो इट्स नो वेयर रिलेटेड टू द बार कोड, क्योंकि टाइम शीट जो होती हैं उसका बार कोड से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम शीट का कोई बार कोड थोड़ी होता है, बार कोड एंड स्कैनर, टाइम शीट तो होता है हर एम्प्लॉय को देखना कि हमने कितना किस क्लाइंट पे काम किया है, उसके लिए बार कोड की ज़रूरत नहीं होती। सो ये हमारा बार कोड की कॉस्ट से, डायरेक्ट डेटा कैप्चर कॉस्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यूज़ ऑफ बार कोड एंड स्कैनर टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री, हमने बार कोड एंड स्कैनर यूज़ करे जिसका हमारा खर्चा हुआ, तो 200 हमारा खर्चा है। स्टोरेज ऑफ सेल्स इन्फॉर्मेशन इज लो नो लॉन्गर नीडेड, ये जो है स्टोरेज कॉस्ट, दिस इज़ अ बेनिफिट, तो ये तो एक तरह से इनकम है हमारा, ठीक है ना। और पहली बात, ये डायरेक्ट भी नहीं है, दिस इज़ अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। स्टोरेज ऑफ सेल इन्फॉर्मेशन नो लॉन्गर नीडेड, एक मिनट, स्टोरेज ऑफ सेल इन्फॉर्मेशन नो लॉन्गर नीडेड, हमें स्टोरेज ऑफ सेल इन्फॉर्मेशन नहीं करनी थी, इट वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, उसके लिए हमने इतना खर्चा करा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू, या इट्स नॉट अ डायरेक्ट डेटा कैप्चर कॉस्ट, के डेटा कैप्चर करने का खर्चा नहीं है, दिस इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि उसकी वजह से हमारा एक एडिशनल खर्चा हुआ। टाइम टेकन बाय स्टाफ टू इनपुट डेटा इन टू प्रोडक्शन सिस्टम, को डायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसकी वजह से एक और बेनिफिट बच गया। टाइम टेकन बाय स्टाफ टू इनपुट डेटा इनटू प्रोडक्शन सिस्टम, ये भी एक तरह से हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट बार कोड लेने से, परचेज करने से कोई खर्चा नहीं है, सो हमारा आंसर आएगा ए। ये ध्यान से देखना, हमें ये बहुत स्पेसिफिक देखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो मैंने ऊपर कराया था पिछली क्लास में, उसको अच्छे से पढ़ना कि सिस्टम का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना ऊपर, वो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी।